बाल विद्या भवन स्कूल, ताज नगरी, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा का ऐसा विद्यालय जो आपके बच्चों को देता है संपूर्ण विकास, शिक्षा के साथ साथ संस्कार, मस्तिष्क के साथ साथ स्वास्थ्य हेतु खेलों की समुचित व्यवस्था, हाईटेक एजुकेशन, कंप्यूटर शिक्षा, सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में शिक्षा, प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाएं, हाई एजुकेटेड मैनेजमेंट, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, प्रवेश प्रारंभ, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा। कॉन्टैक्ट नंबर 9411084214 और 9953737799। देखिए 5 से 8 तारीख तक हमारा पंचक्रोशी और 14 क्रोशी परिक्रमा रहती है और जिसमें लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था की व्यवस्था हर साल की जाती है। इस बार सुरक्षा व्यवस्था के अंदर में हमने लोकल फोर्स, बाहर की फोर्स दोनों यूज़ किया, 6 कंपनी इसमें REF भी हम यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा बैरिकेडिंग्स वगैरह भी की गई हैं, CCTV, ड्रोन और ATS। इसके अलावा जो हमारे LIU की टीम है वो AS चेक के लिए भी रहेंगी यहाँ पर। तो कुल मिलाकर एक व्यवस्था देने की कोशिश की जा रही है जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा, और पूरी व्यवस्था की जाएगी इससे सुरक्षा अच्छी कि बिना सोच का कुछ भी संभव नहीं है। और आज के डेट में प्रशासन पूरा अलर्ट है, प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ ही साथ पहले की तुलना में सपा में और इस सरकार में यहाँ के मामले में, अयोध्या खास करके अयोध्या के मामले में, चाहे यूपी के मामले में, इसका कोई जवाब नहीं है। इसलिए कि हर तरह से पहले की तुलना में जो यहाँ पर घाटों की व्यवस्था है बहुत ही शानदार तरीके से किया गया है। हम लोग पूना महाराष्ट्र से आए हैं, हम लोगों की प्रबल इच्छा है हमारे जाने के पहले ये मंदिर का डिसीजन आ जाए। हम उसके लिए 60 से 80 साल की उम्र के केवल सीनियर सिटीजन आए हुए हैं। हम लोग महाराष्ट्रियन लोग हैं, किसी अलग अलग नाम के हैं, इसमें सब जाति के हम लोगों का एक ग्रुप है, सीनियर सिटीजन का ग्रुप, जिसके अंदर में सब लोग अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हुए रिटायर्ड लोग हैं। मैं 1971 में यहाँ आया था, फैजाबाद में हमारा मुकाम था, तो उस टाइम पे हमने बहुत सारा दर्शन दिया इधर। तो मेरी मनोकामना है, दिल से है कि राम मंदिर कुछ भी हालत में बनना चाहिए और बनकर रहेगा। 1996 में जब इधर कुछ हुआ तो उस यहाँ की वीट इधर लाई थी पुणे में, और हम जब तक जीवित है तब तक मंदिर बनना चाहिए। अगर हमारे बच्चे भी यहाँ कंट्रीब्यूट करेंगे, जरूर करेंगे। जय श्री राम।